जब यूवी जब बाहर आई थी ना, उसको मतलब ऐसा हो गया था कि यार he's a nice guy, मतलब उसको लग रहा था कि मैंने पहले झूठ बोला अंदर है ना, मैं उसको शायद नया हूँ, शायद मैं उस शो में रुकने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, इसको जब समझाता था तो जब बाहर आई तो इनको एक्चुअली मिला, इनको बताया सबने कि वो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था ना. एक्चुअली मेरा मैंने मॉम के साथ ही प्लान किया था जब मैंने पोस्ट करना था, तो यू नो दो दिन से मैं इससे फाइट कर रहा था जान के, ताकि उसको पता ना लग जाए, मेरे को टाइम मिल पाए, मैं पेरेंट्स को बुला पाऊँ है ना. So I was fighting, I was like, I don't want this relationship. He was making me cry. Just खत्म करते हैं, ये खत्म करते हैं, नहीं रहना है ना. वो लोग डरते हैं जिनके मन में कोई चोर होता है, जिसमें होता ही नहीं आ रहा ये पता है यार जो कुछ नहीं है. सो ऐसा कभी हमारा शुरू से हुआ ही नहीं आज तक कभी भी, कि हमने कभी एक दूसरे का फोन चेक किया हो, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पर हम बोले कि यार मुझे फोन दिखाओ. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी ऐसा हो. और हाँ comfortable बना दिया इस बंदे ने. पहले I was not, I was very private. He is like when you love me like this, you know, become like this. पूरा पंजाबी बन जाओ, जो करना खुल के करना. मैंने कहा baby, no still. See हमें है कि मेरा और इसका मानना बहुत, मतलब सोचना बहुत एक जैसा है कि baby तब plan करो कि जब तुम उस time पे मैं इसके साथ रह पाऊँ है ना, मुझे काम की tension ना हो है ना, और मैं वो 9 महीने स्पेंड कर पाऊँ इसके साथ, जी पाऊँ है ना. प्रिंस नरोला, युविका चौधरी, वेलकम टू ई टाइम्स टेलीस्टार स्टॉक एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. प्रिंस, 3 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स, 9 लाख ऑन फेसबुक, 6 लाख ऑन ट्विटर. युविका, यू ऑल्सो आई एम इक्विवेलेंट फॉलोअर्स ऑलमोस्ट ऑन इंस्टा. एंड ये इतनी सारी सोशल मीडिया फॉलोइंग, इतनी पॉपुलैरिटी ऑन द इंटरनेट, डू यू एंजॉय और डू यू समटाइम्स गेट वरीड, डर लगता है? मुझे लगता है कि दोनों चीजें होती हैं. दोनों चीजें इसलिए होती हैं कि कभी कभी हम सबका इतना सोचते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते. हमें लगता है कि यार हमारे जो हमें जो देखने वाले हैं वो पसंद करेंगे, काम को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे है ना, कि वो मुझे इस रूप में देख पाएंगे. तो वो डर भी है, उसकी वजह से मतलब काफी चीजें होती हैं कि हम छोड़ देते हैं है ना. और अच्छी चीज ये है कि वही लोग हमें मोटिवेट भी करते हैं जब हम वो काम करते हैं जो उनको देखना पसंद है ना. सो वो कहते हैं सर इसके लिए आप बने हो, सर यही आपको करना चाहिए ना. सो वो जो उनका पुश होता है, उनका जो मतलब लगता है कि हमें प्यार होता है, जो हमें बूस्ट करता है, वो हमें हमेशा चला के रखता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे. सो इसके दोनों हैं, अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, डर भी लगता है और प्यार भी आता है. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं किसी बात पर, मे बी स्पोर्ट्स में, मे बी कोई और फील्ड में, और आप रोक लेते हैं अपने आप कि मैं कभी नहीं डरता, कभी भी नहीं, मैं उसके लिए से ज्यादा नहीं हूँ. मेरे को जो सही गलत लगता है मैं वहीं पर स्टैंड लेता हूँ. स्टैंड लेने वाली तो बात में तो मैं कभी डरता ही नहीं हूँ. मेरे को लगता है कि अगर मुझे पता है कि मुझे पसंद करने वाले लोग भी हैं और ना पसंद करने वाले लोग भी हैं है ना, सबको इम्प्रेस तो मैं कर नहीं सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि जिनको मैं अपना मैसेज दे सकता हूँ, जो मेरे से सीखते हैं कुछ, उनको तो मैं दूँ एटलीस्ट है ना. उतना रिस्पॉन्सिबल तो बनूँ कि मैं बोलने के लायक हूँ कुछ. तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप कह रहे थे कि मैं करना चाहता हूँ और कभी कभी नहीं कर पाता क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग? मैं बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे आप सोचो कि अभी अभी मेरे को रोटीज में लोग जब देखते हैं उनको लगता है कि यार मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, गुस्से वाला हूँ. रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ है ना. रियल लाइफ में लाइक मैं थोड़ी वैसा चीखता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा. वो डिमांड है उस शो की, वो शो में मेरा मतलब मुझे लोग वैसा देखना पसंद करते हैं है ना, क्योंकि मैं पैशन मतलब पूरे पैशन से खेलता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही निकलता है. और अगर मैं सोचता हूँ कि मैं यार कोई ऐसा गुड बॉय का रोल कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही कि यू नो कोई आकर और इंसान आके मारेगा ये करेगा, मैं आई कांट प्ले दैट रोल बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुद मेरे को वो देख ही नहीं पाएंगे. सो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा किसी के बारे में ना सोचता हूँ, शायद मैं एक्सपेरिमेंट करूँ यार मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है. बट मुझे लगता है कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, जिनको मुझे देख के जो मतलब पसंद करते हैं, अगर उनकी चॉइस से काम नहीं करूंगा तो फायदा ही क्या है ना. तो जैसे उन्होंने मेरी पहचान बनाई है तो मैं फिर उसी पे स्टक रहता हूँ थोड़ा सा.
तो बेसिकली यू आर सेइंग द डिमांड ऑफ द शो. या तो इससे दो सवाल उभरते हैं. एक पहला सवाल प्रिंस के लिए और दूसरा सवाल युविका के लिए. सो यू हैव दिस इमेज वेयर यू नो यू आर अ फ्लर्टेशियस गाय, लाइक यू नो इट्स इट्स सेड दैट यू आर वेरी फ्रेंडली विद वुमेन, एंड आई मीन दैट्स द इमेज व्हिच यू हैव क्रिएटेड और हैज गॉट क्रिएटेड इन मेनी शोज ऑफ योर्स. नाउ डू यू आर यू टेलिंग मी अगेन दैट देयर आल्सो यू आर गोइंग बाय द डिमांड ऑफ द शो? And Yuvika, how do you deal with that woman attention to your man? Because when you go out also, I'm guessing there must have been instances where girls have come to him, asked him to sign autographs, spoken to him, you know, very animatedly. Do you feel jealous? How do you keep them away? So Prince, no. Ask him. Ask him. Do you ever feel jealous? Or dusri baat. You know, I'll feel bad if any girl will not come. Yeah. Honestly speaking, my guy should be in demand always. So I feel, oh my, that's my guy. And you know, that's a different feeling. And when your guy focus is only there and everybody is behind him and he is behind me, that's the best thing ever. I always wanted and I'll continue doing this. Yeah. और मैंने वही बोला कि जैसे आपने बात करी ना कि मेरी image थोड़ी flirting वाली थी. तो वो तब थी जब मैं सिंगल था, है ना. और सिंगल में कोई किसी को रोक टोक नहीं होती. तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करते हो. तुम्हें किसी किसी को कमिट नहीं किया है ना. तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो. दैट्स अ मेन थिंग जो मेरे लिए हमेशा रही थी कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ इमोशनली, है ना. तो हमारा जो वो होता था वो ऑब्वियसली सर, जब हम गेम खेलते हैं, जब मैं रियलिटी शो में आया था तब मुझे भी आगे आना था ना, कि मुझे भी अपने आप को दिखाना है, क्या करना है. उसके लिए वहाँ उस सिचुएशन में जो भी चीजें होती हैं वो हमें करेक्ट लगती हैं, है ना. और हमें लगता है कि यार ये अगर हमें फिनाल तक लेके जा रहा है, इसके हम आगे पहुंच पाएंगे, तो हम वो हर चीज ट्राई करते हैं क्योंकि हमारा करियर स्टार्ट हुआ था, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े. सो बट रियल लाइफ में मैंने फिर बोला ना, रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ जैसी थी पहले वो भी सबने देखी है, और जैसी अब है वो भी सब देखते हैं, और सबने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है ना, कि मैंने जिनसे कमिट किया था अपनी बीवी से, उससे मैंने फिर राइट टाइम पे शादी भी की. यू नो बेस्ट पार्ट, आई ऑलवेज वांटेड अ गाय हुज सीन एवरीथिंग इन हिज लाइफ, नॉट लाइक दिस, नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा ना आफ्टर दैट, अरे ये क्या, अरे वो क्या. नहीं, यू जस्ट एंजॉय एवरीथिंग, सी एवरीथिंग, एंड लेटर ऑन यू टुक डिसीजन ऑफ मैरिज, एंड दैट्स हाउ वी आर हियर. ओके, सो आर यू टेलिंग मी दैट यू वांटेड अ गाय हु हैज हैड हिज शेयर ऑफ गर्लफ्रेंड्स एंड या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या Exactly. Because जिसने कुछ नहीं देखा होता उसको ज्यादा एक्साइटमेंट लगता है लाइफ में, अरे ये भी अच्छा, ऐसा भी होता है, ओ गॉड आई वांट टू गो देयर, आई वांट ट्राई दैट. सो आई फील इफ यू हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ देन यू डोंट हैव दैट मच चार्म, यू हैव सीन द लाइफ एंड यू नो देन व्हाट्स योर प्रायोरिटी. सो इट्स आई ऑलवेज वांटेड दिस. या आई टोल्ड हिम दिस. या तो रस्सी से बांधना इजी हो जाता है ना बाद में. नहीं, बांधने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे ऐसे में है ही नहीं कि बांधने की. हम तो लगता है बांधना इज अ, यू नो आई थिंक सबसे खराब चीज होती है बांध के रखना, बिकॉज इफ यू हैव टू डू समथिंग, पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्चों को कुछ करना है. सेम विद द एनी रिलेशन, नेवर कंट्रोल एनीवन. या लेट इट गो. सो इफ इट्स योर्स इट्स गोना बी हियर ओनली. शी हैज टोल्ड मी व्हाट काइंड ऑफ अ गाय शी वांटेड. या व्हाट अबाउट यू प्रिंस, व्हाट काइंड ऑफ अ जैसी चाहिए यू वांटेड. तभी तो शादी करी है. ऑब्वियसली सर, तभी तो शादी करी है. मुझे जैसी चाहिए थी तब वो मिली, उसी तो शादी करी. मुझे हमेशा वही चाहिए थी जो मतलब केयरिंग हो, है ना, और जिसकी स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल हो. सो मेरे को हमेशा वैसी चाहिए थी अभी, जो बहुत ही मतलब सिंपल हो, जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ, है ना. और मेरे को लगता है कि लाइफ चलती भी स्मूथ तभी है जब तुम्हें पार्टनर वैसा ही मिलता है जैसे तुम, है ना. तो मेरे को हमेशा वैसा ही मिला है. जितना एग्रेसिव मैं हूँ उतना ही ये है, जितना प्यारा मैं हूँ उतनी प्यारी है. मुझे भी मिलती है. सो यार, नो वेयर इन कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, विन विन सिचुएशन दोनों की तरफ है. तो अब एक बात तो सच बताना और मॉडेस्ट मत होना प्रिंस. ऐसी एक बात बताइए युविका की जो आपको नहीं अच्छी लगती है. जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट करने मेरे साथ जाती है. वैसे तो महीने में दो बार जाएगी, तीन बार जाएगी, है ना. उसके बाद जब जाएगी तो वर्कआउट करते हुए जरा पीछे क्लिक करती है और वर्कआउट कम करती है, तो मुझे कुछ साफ है कि बेबी ये क्या कर रही है तुम, मतलब अब तो उसने कहना ही छोड़ दिया है. सो अब मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे को पता होता है कि इसने पिक्चर्स के लिए जिम जाना. अभी भी इसने बोला कि हम इंटरव्यू के बाद हम जिम जा रहे हैं, तो मतलब मैं कपड़े पहनू, हम रील्स बना लेंगे एक दो महीने का. ठीक है, आई एम नॉट अ हल्क,
So my body needs only half an hour exercise, that's it. Huh. He needs that, you know. Being a guy, he needs to maintain and he loves to exercise. Huh. Jo banda do time gym jata ho, jo banda COVID mein bhi, corona mein bhi, raat ke 2 baje, 3 baje, 4 baje squat gym kare ghar ke andar. And dusri baat iski ki ghar pe itni sari cars hain, isko nikalna hota, agar main nahi hota yahan pe to auto mein nikal jati hai. To main isko bolta hu, maybe COVID chal raha hai bahar. इसलिए मैं बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ. हमारे मुंबई में अगर आपने ऑटो में सफर नहीं किया तो फिर आप मुंबई कर नहीं. मुझे अपनी गाड़ी से आना अपने कंफर्ट से. चलाने का शौक नहीं है. मैं सिर्फ पीछे बैठ के जा सकता हूँ या साइड में बैठ जाऊंगा. मतलब चंडीगढ़ भी जाता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी अपने दोस्तों को दे देता हूँ कि तुम चलाओ, मैं साथ बैठ. सो मेरा चलाने का अभी चंडीगढ़ जाओ, मेरा सीधा फोन की फोटो मिलेगी लोनावला, चलेंगे लोनावला. So, चलेंगे लोनावाला से. मुझे ये याद आ रहा है कि आप लोग मालदीव्स जाने का प्लान बना रहे हैं. हाँ, अभी अभी बताओ. मैं मालदीव्स जाने का प्लान बना रही थी, पर मैंने आज पोस्ट में देखा है कि सारा बॉलीवुड मतलब मालदीव में ही है, और नीचे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आप मालदीव्स को बैन कर दो यार, लॉकडाउन कर दो. तो मैं सोच रहा हूँ नहीं जाना चाहिए. हम भी जाएंगे, लोग आएंगे, लो ये भी पहुंच गए, बैन कैंसिल, चंडीगढ़ चलते हैं या फिर कहीं और चलते हैं. हम बॉम्बे से वाशी गए हैं. सारा बॉम्बे वही है. So, Yuvika, Prince ने तो क्लियर कर दिया कि वो डिमांड ऑफ द शो वगैरह जो कह रहे थे, लेकिन सो ही इज कंफर्टेबल, यू नो, कि ये शो है, मैं इस ढांचे में ढल जाऊंगा, आई वॉन्ट टू गो फर्दर एक्सेट्रा. बट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वेन यू आर ऑफर्ड बिग बॉस, यू हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंकिंग. यू डिडंट हैव दैट कि नहीं यार मैं इस शो के लिए कुछ भी कर दूंगी. एंड I think, as far as I know, you had even told your mom that, you know, you'll be out in 1 or 2 weeks. And, तो उस वक्त क्या चल रहा था exactly आपके दिमाग में? मुझे कई सालों से बिग बॉस का ऑफर आ रहा था, एंड जब भी मैं झगड़े देखती थी तब मुझे लगता था कि ये शो है ही नहीं मेरे लिए. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिना फोन, बिना पेरेंट्स, किसी भी चीज के बगैर रहना अकेले तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए मुझे पता था कि शो मेरे लिए बना ही नहीं है. अगर मैं जाऊंगी भी तो इट विल बी वेस्ट ऑफ दैट प्लेस जो किसी और को मिल सकता था, यू नो. तो ऑलवेज आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, बट एज आई सेड, से नेवर. जब भी आप किसी चीज को मना करते हैं वो चीज जरूर होती है लाइफ में, ये भी मैंने बोल दिया है, हमेशा फील किया है मैंने. सो गई मैं, ऑफकोर्स आई हैड टू गो, डेस्टिनी में था. एंड या आई वाज देन बिग बॉस. And you have someone now for the rest of your life, so it was a blessing. Yeah, just guys. Imagine, jo show, kabhi life mein nahi socha tha ki us show mein jana hai, and to top of it, partner, life partner, just it is so opposite.
सो आई थिंक वहां से मेरी जिंदगी में मेरी सोच भी बहुत बदली कि लाइफ गो विद द फ्लो यू यू कांट डिसाइड या लीव इट ऑन डेस्टिनी सो I hate to use this word organic, which is so indiscriminately used in every sentence today. But here I think I'll have to use it. Was this love organic after Big Boss or was it first initially one-sided? I don't know which side. And yeah, then someone had to tell the other. Yeah, someone had to tell the other. Listen, it was one. जब बाहर आई थी ना उसको मतलब ऐसा हो गया था कि यार he's a nice guy मतलब उसको लग रहा था कि मैंने पहले झूठ बोला अंदर है ना मैं उसको शायद नया हूँ शायद मैं उस शो में रुकने के लिए कुछ बोल रहा हूँ इसको जब समझाता था तो जब बाहर आई तो इनको अच्छे में लगे इनको बताया सबने कि वो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था ना सो देन शी स्टार्ट फीलिंग कि यार he's a nice guy जब हम बाहर निकले एक्चुअली तो ऐसा नहीं था कि हम मैं क्योंकि अंदर से मना करके चली गई थी तो वो प्यार नहीं था उस टाइम पर है ना कुछ भी वैसा नहीं था कुछ फील नहीं था बस जस्ट लाइकिंग किया तुम्हें कोई भी इंसान पसंद आ जाता है ना पर उसके बाद जब हम बाहर आए यू नो हम बाहर एक दूसरे से मिलते थे हम है ना और हम सिर्फ दोस्त थे फॉर 3.5 years सो आफ्टर अ ईयर मतलब मेरी तरफ से रिश्ता शुरू हो गया था मैंने कहा था ये हो गया मेरे को भाई आपसे शादी करनी है आप जब रेडी हो गए तो मुझे बता देना है ना तो मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा एंड वी आर फ्रेंड्स हां या दोस्ती दोस्ती में ही इज लाइक मुझे तो प्यार हो गया है अब मुझे शादी करनी है नाउ यू टेक टाइम मतलब टाइम इन्होंने एकदम से हाँ नहीं करी टाइम लिया हमने कम इसने 3 साल लिए हैं 3 साल के बाद मतलब हम रिलेशनशिप में तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था युविका का व्हेन यू सेड दैट वर यू एक्सपेक्टिंग इट दैट इट वाज कमिंग एनी टाइम सून और डिड यू टेक इट सरप्राइज नहीं मेरे को मैंने जब इन्होंने मुझे कहा था कि काफी टाइम के बाद कि आई लाइक यू टू है ना कि मुझे भी टाइम पास नहीं करना मुझे भी सीधा शादी करनी है ना तो बस मेरे को इतना पता लगा था कि चीज ओके मैं पहुंच गया था रिश्ता लेके अपने पेरेंट्स को लेके पंजाबियों टाइम लगाते हैं हम अच्छी चीजों में शी इज ओके घर चलो रिश्ता लेके तो मैं एज आई आस्क्ड यू जस्ट बिफोर आपको सरप्राइज हुआ था या फिर आप ऑलरेडी अंदाजा लगा चुके थे कि एनी टाइम सून इज गोइंग टू आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू नो नाउडेज लड़के यू नो लड़के लड़कियां बातें बातें करते हैं बट करने वाले बहुत कम होते हैं बिकॉज वेरी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ आप बड़ी बड़ी बोल तो देते हो लेकिन करने वाले जेन्युइनली बहुत कम होते हैं सो फॉर मी इट वाज अनबिलीवेबल सो व्हेन ही केम होम सडनली यू नो एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू मीट योर फैमिली योर गाय मीट्स योर फैमिली सो बहुत कुछ नजरिया फीलिंग्स काफी कुछ आई थिंक डबल हो जाती है सो या ही गेव अ सरप्राइज ही केम होम एंड आस्क्ड माय पेरेंट्स दैट कैन वी get to know each other and I really love her. From her side there is no such sign I really want but I thought main pehle aap se permission lu and she likes me I like her aur then of course Saleh saab ko main pehle hi pasand tha yeah my brother really loved him so yeah koi problem hui nahi aur hone wali saas aur hone wale sasur ne kya kaha did they tell you kuch nahi unko main pasand tha usne bola ki yaar एक्चुअली मेरा मैंने मॉम के साथ ही प्लान किया था जब मैंने पोस्ट करना था तो यू नो दो दिन से मैं इसे फाइट कर रहा था जान के ताकि उसको पता ना लग जाए मैं मेरे को टाइम मिल पाए मैं पेरेंट्स को बुला पाऊँ है ना सो आई वाज फाइटिंग आई वाज लाइक आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप यू नो जस्ट खत्म करते हैं ये खत्म करते हैं नहीं रहना है ना सो नहीं चल रहा है ये मेरी मम्मा को बोल रही है मैंने आई न्यू guys like you aise hote gusse mein why you wasted my time I was like why you wasted my time yaar pehle bata de raha tha so maine mom inke mama ko bata rakha tha ki main jaan ke lad raha hu to iski mama ko bol rahi thi mama sun rahi thi ha ha hum fir main suddenly sab ki bell bajti hai to fir wahan pe main apni family ke sath khada with a ring to abhi to thoda samay guzar chuka hai shaadi ke baad अब ये बताइए लेट मी आस्क युविका फर्स्ट नाउ एंड हाउ पोसेसिव आर यू अबाउट मी या डू यू चेक आई नो यू आई गॉट यू देयर दैट यू नो यू लाइक द फीमेल एडुलेशन दैट ही गेट्स बट वंस इन अ वे डू यू चेक हिज फोन डू यू रीड हिज मैसेजेस डू यू आस्क हिम हु आर यू टॉकिंग टू ना मैंने किया ना कभी इन्होंने किया इतना तो हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट है
पर हमारे फोन में कभी पासवर्ड नहीं लगते, हमारे फोन ओपन रहते हैं। Unless so we are मतलब going out, हमारे फोन में ऐसा नहीं किया, अगर हमें कहीं जाना भी है तो हमारे आईडी के पासवर्ड में पता है क्या है, तो हमें वैसा कुछ नहीं। He's shooting, his phone is with me all the time. Yeah. So I'm attending mostly his calls. वो लोग डरते हैं जिनके मन में कोई चोर होता है, जिसमें होता ही नहीं आ रहा ये पता है यार फिर कुछ नहीं है। सो ऐसा कभी हमारा शुरू से हुआ ही नहीं आज तक कभी भी कि हमने कभी एक दूसरे का फोन चेक किया हो या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जहां पर हम बोलें कि यार मुझे फोन दिखाओ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ना कभी ऐसा हो। और सो मुझे लगता है कि रिश्ता टिकता ही वही है जहां पर तुम्हें पता हो कि यार तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारा है ना। Honestly, आपको कुछ कहना होता है तो आप थोड़े घुमा फिर आगे स्टाइल में कह देते हो। सपोज आप बोल But if Yuvika is wearing a short dress, you will tell her ki, you know, ki dress kuch zyada choti to nahi ho gayi. मतलब मैं और मम्मी का सेम ही होता है वहां से, मतलब मेरी सास माँ का और इनका, कि जब भी अगर बेबी थोड़ी छोटी है थोड़ी लंबी पहन के जाओ, है ना। अगर मैं साथ में हूँ मैं बोलता हूँ, अगर मैं साथ में हूँ छोटी है नहीं थोड़ा और छोटी okay. पहन सकते ठीक है उल्टा टॉन्ट वाला। और अगर नहीं मैं साथ में नहीं हूँ अकेले जाना है आपने कहीं जा रहे हो, मैं बोलता हूँ नो बेबी बिग नो ये पहन जाओ ये अच्छा लगेगा। आई थिंक ये हर कपल में होता है, मतलब मुझे लगता है कि वेरी वेरी नेचुरल। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा सबको कि मतलब जैसे आपने बोला कि युविका प्रिंस तो बता दिया कि ये शो में कैसे भी ढल सकते हैं जीतने के लिए, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब जब इंसान का करियर स्टार्ट होता है ना तब वो शोज वैसे थे जहां पर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, तुम यू आर सो न्यू। मेरे नाम कोई फैमिली में कोई इधर उधर था कोई है ना इस इंडस्ट्री में ना कुछ पता था कैसे करना है, सो हम सिर्फ आगे आ जाते थे एक नॉर्मल इंसान की तरह सपने देखकर। सो इंसान का कोई भी शो से कैरेक्टर जज नहीं करना चाहिए, मेरा क्या किसी का भी, क्योंकि उस टाइम पे वो गेम खेल रहा है, उस टाइम पे वो सो चीजें वैसे भी कर रहा है जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं करता, रियल लाइफ में नहीं करता। तो इंसान को तब जज करो जब तुम उसको पर्सनली जानते हो, क्योंकि जब आप पर्सनली जानोगे तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा उसके। सो मैं कभी भी आप देखना मैं बिग बॉस में किसी की स्टेटमेंट नहीं देता हूँ, जब भी मैं शो देखता हूँ मैं किसी के बारे में बुरा कमेंट अच्छा कमेंट नहीं करता हूँ। सेम इंडस्ट्री में होकर भी हमने सबने वो शोज किए हैं, उसके बाद भी हम सब अंदर आके वही गलतियां करते हैं, फिर भी हम जब बाहर आ जाते हैं तो लोगों के बारे में कमेंट करते हैं तुम ऐसा खेल रहे हो तुम ऐसा खेल रहे हो, वो अपना टाइम भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मत करो, है ना, वो सबसे बुरी बात है जब तुम किसी के बारे में कमेंट करते हो बिना जाने हुए। अरे वो अपनी गेम खेल रहे हैं, वो अपने तरीके से खेल रहे हैं। You know what difference hota hai? When you are alone, your thinking is different. Yeah. When you're with someone, your thinking is different. Your lifestyle is different. So, yeah. ये जो आपने जो last answer दिया, उससे एक सवाल उभर कर आता है। आपने कहा कि आप Big Boss बहुत hardly देखते हैं या नहीं देखते हैं जो भी, और आप उन पर comment नहीं करते हैं। 13th Big Boss में आपने एक कदम उठाया था, एक stand लिया था, जो जहाँ आपकी फ्रेंड रश्मि देसाई का था कि आपने कहा कि नहीं मैं हम रश्मि हमारी फ्रेंड है, आई मीन वी विल स्टैंड बिहाइंड हर, वी विल सपोर्ट हर, एंड यू कट ऑफ टाइज विद अरान खान जी। सो दैट एक रिएक्शन आपने दिया था। सर मेरा अरहान से कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं ना वो मेरा दुश्मन है, ना वो हम नफरत करते ना पर्सनल। बुरा ये था कि वो मेरा दोस्त था, है ना, एंड हमने डेली सोप साथ में किया था, हम भाई की तरह रहते थे। मुझे भी नहीं पता था, एटलीस्ट मुझे पता होता और लड़की को पता होता ना बताकर क्या होता, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं थी। इट्स नॉर्मल थिंग, कोई इंसान अलग होते हैं, उनका डिवोर्स हो जाता है तो उसके पास पूरा हक है, वो नए रिश्ते में जा सकता है। बट वो मुझे ये मेरे लिए ज्यादा हर्ट करी थी कि यार मैं इतने सालों से इसका दोस्त हूँ, एटलीस्ट मुझे तो बता देता, है ना। सो वो चीजें मुझे हर्ट हुई थी, इसलिए मैंने स्टेप बैक किया था। और फ्रॉम योर साइड यू आर थिंकिंग ही इज बट मेरे साथ या बट या मतलब मेरी तरफ से कभी भी मैं दोस्ती नाप तोल के नहीं करता था। मेरे को लगता है कि मैं बहुत कम दोस्त बनाता हूँ, और वो बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि यार सही हूँ, है ना, जिनके साथ रहकर मतलब मैं भी कुछ सीखूं, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत चीजों में करने लगूंगा। तो मेरे को वो नेगेटिविटी थोड़ी सी
जो लोगों से मिलती है, वाइब मिलती है, मैं उनसे अलग हो जाता हूँ. सो मेरा बेसिकली हटने का रीजन यही था कि जब मुझे पता लगा था कि उसने मुझे बताया नहीं, और जब बिग बॉस में रिवील हुआ था कि वो मैरिड है, तो मेरे को था कि, और मेरे को रश्मि के लिए इसलिए मैंने रश्मि को सपोर्ट किया था क्योंकि शी इज अ गर्ल, एंड अगर कोई भी लड़का होता, अगर उस जगह कोई भी होता, अरहानी कोई भी होता, तो मैं सेम ही बोलता, ठीक है ना, उसके लिए. अगर अगर वही सेम चीज अरहान के साथ हुई होती और रश्मि ने की होती, तो हम शायद रश्मि के साथ ना होते, है ना, तो अरहान को सपोर्ट कर रहे होते. सो या It's about right and wrong. Yeah. Let's say. No, no one should play with the emotions. No one should hurt anyone. That's. मेरा अगला सवाल यही था कि आप लोग जब friends किसी के बनते हैं तो हमेशा के लिए friends बनते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ. और अगर जहाँ सोचते हैं कि नहीं कुछ ठीक नहीं है या तो फिर दूर हो जाते हैं. मतलब you'll just take a step back instead of just fighting and is that right? जी बिल्कुल. हाँ जी या absolutely. Rather than having ugly fights and you know bad mouthing thing, it's better to give respect in that space so that other person will also value more that what you have done, you know. So it's always good in that way that you know with your dignity be silent, don't harm anyone. And jab aap galat hote ho, samne wala galat hota hai, at least silence is one thing, you know, kehte na ek chup sau ko harai. It's always good to have that dignity and just let it go. God bless everyone like this. Yeah. हमने social media से ये interview शुरू की थी. I think we are drawing to the close and one more question on social media and that is one recent picture which both of you have put out, a kissing picture. This is the third time that you have done this. When you have such pictures, do you feel there might be a backlash once in a way? He does not feel anything. Whenever he's posting, he's like, he's from all heart. All heart. Dal diya. And he, you will see the difference in his captions also. What he feels, he writes. Yeah. मेरे कैप्शन बहुत इजी होते हैं और बहुत ही वैसे होते हैं जो नॉर्मल हम सोचते हैं. तो मैं उस पिक्चर को फील करके जो मेरे को डालना होता है. नहीं मेरे को नहीं, मैं वाइफ के साथ डाल रहा हूँ भाई, किसी की बीवी के साथ भी डाल रहा हूँ जो मुझे डर होगा. अपनी बीवी के साथ डाल रहा हूँ. एंड युविका इज इक्वली कंफर्टेबल दैट टाइम. Comfortable बना दिया इस बंदे ने. पहले I was not, I was very private. He's like when you love me like this, you know, become like this. पूरा पंजाबी बन जाओ, जो करना है खुल के करना है. देखो baby, no still, but you know that's his way of showing love. And initially I was not, now I'm comfortable. Yeah, completely. Okay, Yuvika से तो हम बात कर चुके थे इसके बारे में. And Prince, I would like you to conclude on the interview with this question, that too many rumors were there in recent past about Yuvika being pregnant. अब पंजाबी की तरह बताइए कि आप कब खुलकर अनाउंसमेंट करेंगे या फिर छुपाएंगे, जब होगा. छुपाने छुपने का काम है सर अपने पास. जब हम प्लान करेंगे तो और जब भी ऐसी कोई गुड न्यूज होगी तो हम पक्का सबको बता देंगे. पर अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है. अभी मतलब हमने एक दो साल एटलीस्ट हमें चाहिए कि सी हमें है कि मेरा और इसका मानना बहुत मतलब सोचना बहुत एक जैसा है कि बेबी तब प्लान करो कि जब तुम उस टाइम पे मैं इसके साथ रह पाऊँ, है ना, मुझे काम की टेंशन ना हो, है ना, और मैं वो 9 महीने स्पेंड कर पाऊँ इसके साथ, जी पाऊँ, है ना, और उसके बाद भी जब बच्चा हो ना, तो ऐसा ना हो कि शी इज प्रेग्नेंट और आई एम वर्किंग कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ और मैं टाइम नहीं दे पा रहा. सो दैट्स द रीजन कि मैं बोला कि 2 साल रुकते हैं और थोड़ा सा कमाते हैं ताकि हम अगर काम ना भी करें तो सब कुछ चल रहा हो, है ना. सो दैट्स द रीजन. प्रैक्टिकल लाइफ. थैंक यू सो मच प्रिंस एंड थैंक यू सो मच युविका फॉर दिस लवली इंटरव्यू. थैंक यू अगेन वेरी सून. Yeah, from the entire team here. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Bye.